24 घंटे में कोरोना वायरस से रिकॉर्ड 1092 मौतें हुई, मौत का आंकड़ा 53,000 के करीब पहुंचा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सीबीआई करेगी जांच। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में पहुंचा संक्रमण, आर्मी अस्पताल ने कहा हालत नाजुक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री महेश यादव कोरोना की चपेट में आए। अप्रैल से जुलाई के बीच सैलरी वाले 1,89,00,000 लोगों की नौकरियां गईं, सीएमआईई की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी बोले 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में। दिल्ली मेट्रो का संचालन ठप होने पर कर्मचारियों की सुविधाओं और भत्ते में 50% की कटौती, अगस्त से लागू होगी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में 34 मुसाफिरों से भरी अगवा बस आगरा पुलिस ने बरामद की, बस की ईएमआई नहीं चुका पाने पर फाइनेंस कंपनी ने करवाया अगवा। मॉरिशस में तेल रिसाव वाली जापानी जहाज के भारतीय कैप्टन को गिरफ्तार किया गया, कई और लोगों पर तलवार लटकी। और माली में सत्ता परिवर्तन के लिए जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना ने तख्ता पलट किया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सैनिकों की हिरासत में, संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रपति की तत्काल रिहाई की मांग की।